मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 7 देन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और चार ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर MCA एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं। जो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको आप क्या कीजिए, लिख दीजिए x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 7, निकालना क्या हमको x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन था 3 प्लस रूट 7 माइनस 3, यानी माइनस 3 अगर हम दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो राइट हैंड साइड को हम लोग क्या करते हैं, LCM लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 और यहाँ पर से 2 हो जाएगा और माइनस 3 इंटू 3 प्लस रूट 7। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 प्लस माइनस माइनस 3 रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 7। और इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस 2 और माइनस 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 7 3 रूट 7 और 3 प्लस रूट 7 आ गया। अभी भी स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आ गया हमारा फ्रैक्शन में, तो इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो वैल्यू है जी टीज रहेगा, सिर्फ साइन क्या हो जाएगा उसका उल्टा, प्लस था तो माइनस कर दिए। ऐसा करने से भी हमारा इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह है किसके बराबर, तो एक्स माइनस 3 के बराबर है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 और इंटू क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 7। अब यहाँ पर से माइनस 7 ले लेते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 7 माइनस 3 रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7। लाइन बाई लाइन इसलिए लिखते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक नहीं हो। तो अब यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी पे हमारा हो गया, यानी a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर को न्यूमिनेटर को देख लेते हैं, तो माइनस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 21, फिर माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, 7 रूट 7। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9, माइनस 9 रूट 7 और यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, रूट इंटू रूट 7, रूट 7 इंटू रूट 7 7 और इंटू 3 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 21, ये हमारा इतना वैल्यू आया, यानी लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पर से देखिए 21 और माइनस 21 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद 7 रूट 7 और माइनस, तो अगर आप लोग यहाँ पर से रूट 7 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 माइनस 9, यानी x माइनस 3 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 7 में से यानी माइनस 2 रूट 7। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ है, रूट 7 कॉमन ले लिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 7 आपका बचा और वहाँ पे 9, और माइनस 9 क्या है, निगेटिव का जो वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हम लोग डिवाइड में छूट गया था, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, चलिए यहाँ पर से ऐड कर देते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7, रूट 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर से एक लाइन जो छूटा था उसको हम ले लेते हैं, 9 माइनस, इधर तो नहीं होगा, इधर ही होगा, यहाँ पर से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, यानी इसको लिख सकते हैं 2। तो ये हमारा क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर से देखिए x माइनस 3 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, माइनस रूट 7, वैल्यू किसका निकालना है, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट सेवन का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और रूट सेवन का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेवन, यानी x माइनस थ्री इक्वल टू आपका कितना आ गया, यानी स्क्वायर इक्वल टू सेवन। तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। तो बनाते समय ध्यान देंगे कि कहीं पर आपका कोई भी वैल्यू छूटे नहीं, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरह से सोल्व करेंगे और बहुत आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हम लोग माइनस यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए थे वही वैल्यू है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड का जो एक्स माइनस थ्री आप लोग का एक्स माइनस थ्री लिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।